हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके सामने शाही भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हमने लिया है 250 ग्राम के करीब भिंडी। इसको हमने लंबे लंबे पीस में काट लिया है। ये देखिए, ऐसे काटने से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि भिंडी के अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं थोड़ा सा बेसन भून रही हूँ। अगर आपके पास चने का सत्तू हो तो वो भी चलेगा, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं बेसन भून रही हूँ। थोड़ा सा लिया है, एक चम्मच के करीब। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, इसको हल्का सा पानी डाल के इसको भून लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, देखिए हमारा मसाला जो है भुन गया है। मसाला भुनने के बाद इसमें मैंने जो भिंडी काटी है वो डाल दी। देखिए हमने भिंडी डाल दी है, हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। अब हमें भिंडी को ढकना है, पूरी नहीं ढकनी है, जिससे कि इसकी स्टीम जो है वो निकलती रहे, वरना हमारी भिंडी जो है लिसलिसी हो जाएगी और हमें लिसलिसी नहीं होने देना। ये हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। ये देखिए, हमने लिया है भुना हुआ बेसन, जो मैं अभी भून रही थी आपके सामने। ये थोड़ा सा दही, ये घर का जमा दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए आपका दही। ये 4 से 5 काजू और थोड़े से ये मगज, इससे जो सब्जी है वो थिक बनेगी हमारी और क्रीमी टेक्सचर आएगा सब्जी का। ये डालने से देखिए, हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। तो भुना हुआ बेसन, इसमें मैं ये दही डाल दूंगी और ये 2 टमाटर, थोड़ी हरी मिर्च। ये धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, हल्दी। ठीक है, हमारी भिंडी जो है इसको हमें आधी पकानी है, पूरी नहीं पकानी है। देखिए अदरक मैं बताना भूल गई थी कि थोड़ा सा अदरक भी लेना है। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसके ग्रेवी बनाने की तैयारी हो रही है। अभी हमने तेल डाला, हमें थोड़े से खड़े मसाले लेने हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, इतनी सी दालचीनी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ये जरा सी जावित्री। हमारा तेल गरम हो गया, तेल गरम होने के बाद हम इसमें ये मसालों को डाल देंगे। फिर इसी में ये टमाटर, हरी मिर्च, जितना कुछ लिया है मैंने सब डाल दिया। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए हमारी ग्रेवी की तैयारी है। इस सब्जी को आप जरूर बनाइए, ये बहुत अच्छी बनती है। या आपके घर कोई गेस्ट आए तब ये सब्जी आप उन्हें बनाकर खिलाइए। छोटा सा पानी डाला है, थोड़ा ज्यादा नहीं। देखिए हमारा मसाला जो है पक गया है। टमाटर को हमें छिलका निकाल देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। देखिए हमारा मसाला जो है हमने पीस लिया है। अगर आपको थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत हो तो आप डाल के पीस सकते हैं, थोड़ा पानी, ज्यादा नहीं। देखिए अब हम इसमें ये तेज पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें ये दही और बेसन वाला जो पेस्ट था वो डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। इस सब्जी को आप बनाएंगे तो ऐसे लगेगा आप रेस्टोरेंट से मंगा के खा रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं ये सब्जी आपने घर में बनाई है। एक बार इसको आप जरूर बनाइए। और हम इसमें ये अपना मसाला डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, अब ये देखिए हमें मसाला भूनना है। जब तक ये मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे तब तक इसको भूनते रहना है। ये सब्जी पराठे, रोटी, किसी भी चीज से आप खाइए, पर रोटी पराठे से ये सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। मसाला भूनने में हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। अच्छे से मसाला भूनना है इसका। देखिए हमारा मसाला भून गया, हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब हम ये अपनी भिंडी, नमक हम लास्ट में डालेंगे जब हमारी सब्जी पक चुकी होगी। नमक स्वाद अनुसार। देखिए हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है। इसको आप जरूर बना के ट्राई करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारी शाही भिंडी बनके तैयार हो गई।